शहर में कई सामाजिक तथा वयोवृद्ध के उत्थान हेतु कार्यरत ज्येष्ठ नागरिक मंडल की सभा महिला समाज भवन सिविल लाइन सावनेर में संपन्न हुई है। सभा की अध्यक्षता सेवानिवृत्त प्राचार्य कमल भारद्वाज ने तो प्रमुख उपस्थिति में पूर्व नगर उपाध्यक्ष अरविंद लोधी, ज्येष्ठ नागरिक मंडल के उपाध्यक्ष यशवंत बंबूरे, सावनेर तहसील मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष किशोर ढूंढेले, कार्याध्यक्ष दीपक कटारे, पत्रकार बाबा टेकाड़े आदि मान्यवरों की उपस्थिति में संपन्न इस सभा में ज्येष्ठ नागरिक मंडल के सैकड़ों सदस्य ने भाग लिया। ज्येष्ठ नागरिक मंडल के सचिव नामदेव चरपे ने ज्येष्ठ नागरिक मंडल के सभा का वृत्तांत तथा सावनेर नगर पालिका द्वारा जारी पुनर्मूल्यांकन से भविष्य में उत्पन्न होने वाली जनसामान्यों पर संगठित होकर निर्णय लेकर ठोस कदम उठाने की बात कही। वही आयोजन में प्रमुख उपस्थिति पूर्व नगर उपाध्यक्ष एडवोकेट अरविंद लोधी ने नगर पालिका प्रशासन द्वारा जारी इस पुनर्मूल्यांकन पर अपने विचार रखते हुए कहा, यह शहरवासियों की एक जन समस्या है। इसके लिए सभी सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल, समाज सेवी आदि ने एकजुट होकर इसका हल निकालने का प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही अपने स्तर पर जिलाधिकारी को व्यक्तिगत तथा सामूहिक निवेदन प्रस्तुत कर इसे रद्द करने की मांग इस अवसर पर की है। तो वही सावनेर तहसील मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष किशोर ढूंढेले ने अपने वक्तव्य में सन 2010-11 के संपत्ति पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि फिलहाल सावनेर नगर परिषद में नगरवासियों द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल फरवरी से समाप्त हो चुका है। नगर सभागृह में प्रशासक तथा मुख्याधिकारी द्वारा उक्त ठहराव पारित कर नगरवासियों पर मनमाना संपत्ति कर लादने की योजना को अगर विफल बनाना है तो सभी शहरवासियों द्वारा कृति समिति बनाकर इसका पुरजोर विरोध करने का अनुरोध नगरवासियों ने किया है। आयोजन के अध्यक्ष प्राचार्य कमल भारद्वाज ने अपने संबोधन में पुनर्मूल्यांकन करने वाली RS कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार अकुशल युवकों द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण से आम जनता पर अनाप शनाप टैक्स वृद्धि होना तय है। जिस प्रकार ज्येष्ठ नागरिक मंडल ने आज अपनी सभा में ठहराव पारित कर नगर प्रशासन के अड़ियल रवैये के खिलाफ दो दो हाथ करने की पहल की है, इसे सभी शहरवासियों ने पुरजोर समर्थन देकर सफल बनाने की बात कही। इस अवसर पर ज्येष्ठ नागरिक मंडल के पदाधिकारी, सदस्य तथा पत्रकार दीपक कटारे, बाबा टेकाड़े आदि ने अपने विचार रखे। ज्येष्ठ नागरिक मंडल द्वारा संपन्न सभा में यशवंत बंबूरे, विजय थुल, सुमन झाड़े, प्रकाश धांडोए, शेषराव वाड़ीकर, राजू डहाके सह सैकड़ों नागरिक उपस्थित थे। BCN न्यूज के लिए सावनेर से किशोर ढूंढेले। तो फिर मूल्यांकन हो रहा है पालिका के द्वारा, तो ये खासगी कंपनी से हो रहा है, तो सभी शहरवासियों की मांग है कि अभी फिलहाल में नगर पालिका में बॉडी नहीं है, तो नगर पालिका के चुनाव होने के बाद ये फिर मूल्यांकन किया जाए, तो चुने हुए नगर सेवक जनता की भावना ध्यान में रखते हुए निर्णय लेंगे। इसलिए अभी जिलाधिकारी सर ने इसको स्थगिति देना चाहिए और नई बॉडी आने के आगे ये फिर मूल्यांकन हालांकि गलत तरीके से हो रहा है। उसका रीज़न ऐसा है कि पहले ऐसा था नगर पालिका में कि जो पुराने घर थे उसका फेर मूल्यांकन न करते हुए उसको कुछ प्रतिशत टक्केवारी से रेट बढ़ाया जाता था, पर इस समय में ऐसा हुआ है प्रशासकों ने कि पुराने भी घर का फेर मूल्यांकन कर रहे हैं। इसमें एक्चुअली जो जुने घर है उसका फेर मूल्यांकन करने की ज़रूरत नहीं थी, और ऐसा करते हुए जो फेर मूल्यांकन के दर जो दिए है उसमें नगर पालिका का बहुत बड़े पैमाने में नुकसान हो रहा है, क्योंकि 600 रुपये प्रति घर देने की वजह से शहर में लगभग 10 से 12 हज़ार प्रॉपर्टी है और उसको 70 से 75 लाख रुपए नगर पालिका के खर्च होने आ रहे हैं। आफ्टर ऑल वो सब पैसा जनता का ही है, तो नए जो 4 सालों में जो नए घर बने उसका फिर मूल्यांकन होना चाहिए। सही है आपका, सभी पक्ष के लोगों ने इसके लिए एक होना चाहिए, और मैं भी सबसे विनती करना चाहता हूँ कि सभी पक्ष जब इसमें एकजुट होकर आएंगे तो इसमें कुछ हल निकलेगा, नहीं तो फिलहाल तो ये इतना मुझे लग नहीं रहा है कि कोई अकेली पार्टी इसमें हल निकाल पाएगी।